मैं जब एडिक्ट हो रहा था ना पब्लिक ने एपिसोड देखा होगा, अब मेरी बात सुनो, मेरे को वहां पे इतना रोना आ रहा था, मैं टूट गया था भाई, वो ट्रॉफी मार रखी थी पर मुझे मैं छू नहीं पाया, प्यास हुआ मैंने ऊपर देखा अंदर वो सांस लेके पीना नहीं होता, वो अंदर ही अंदर रह गए। मैं कहा जब कोई अपना जो यार दोस्त घर परिवार से मैं बात करूंगा ना, जब जब निकालूंगा, तो फिर मैंने मम्मी को बाहर आते जो ड्राइवर भैया होटल लेके आते। शॉकिंग इवेक्शन होने के बाद भैया अभी क्या ही बताऊं आपको, इतने सारी बातें निकल के आ रही है, इतने सारे फैंस नाराज चल रहे हैं बिग बॉस से, और मुझे भी इवन मुझे भी लग रहा है कि इस बार ने बिग बॉस ने कुछ गलत किया हुआ है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप बात करोगे फैन फॉलोइंग की, शिवानी, अदनान, कटारिया, इनकी फैन फॉलोइंग, इनके वोट के आधार पर इनको हराना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन दोस्तों इस बार अगर आप बात करोगे जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत कड़क थी, वो लोग को निकाल दिया गया। जैसे कि आप बात करोगे अरमान मलिक, इवन अरमान मलिक की बात जब बात करोगे तो दो दो तीन तीन वाइफ, दो दो वाइफ के सपोर्ट मिल रहे हैं उसको, उनके सारे फैंस अरमान मलिक को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद भी अरमान मलिक को निकाल दिया, वो भी किसके सामने, किसके सामने, साई केतन, जिसको कोई पहचानता बनी साई केतन के सामने अरमान मलिक को निकाल दिया। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा इस पे। और इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि बिग बॉस जो है वो इनके फैन फॉलोइंग का गलत इस्तेमाल किया गया है। इतनी कड़क फैन फॉलोइंग होने के बाद भी ये लोग घर के बाहर इतनी आसानी से निकल जाते हैं, अभी क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन इस बार का जो बिग बॉस हुआ वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेकर से भी गलती हुई और खुद बिग बॉस से भी गलती हुई, क्योंकि जिसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी अच्छी होने के बावजूद आप अगर उनको हरा नहीं पा रहे हो तो आप एक खेल खिला के उनको हरा देते हो। जैसे कि बात कर रहा हूँ अदनान की, उसकी फ़ैन फॉलोइंग 11-12 मिलियन है, लेकिन भाई अगर बात करोगे उसको निकाला क्यों गया, वाइल्ड कार्ड एंट्री था, एक खेल के दौरान उसको बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसको फ़ैन फॉलोइंग से हराना भैया इम्पॉसिबल था। अब बात करो कटारिया की, कटारिया के पीछे पूरी आर्मी है, एल्विश आर्मी है, इतना बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन उसको भी निकाल दिया गया। तो यहाँ पे बात भाई बहुत अजीब है कि ये सब नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से। अभी देखते हैं क्या चल रहा है, क्या होगा।